फ्रेंड्स इन दिसंग टू स्टडी अबाउट एलोंगेशन स्टेज ऑफ डी एन एड एप्लीकेशन इन प्रोक्रिया इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द इनिसिएटेज ऑफ डी एन एड रेप्लीकेशन इन प्रोकरस अब हम एलॉन्गेशन स्टेज में ये देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास रेप्लीकेशन फॉर्क बनी थी वहाँ पे जो है आरएनए प्राइमर लग गया था और आरएनए प्राइमर जो है एक स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए होता है जो कि सिर्फ फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में ही वर्क करता है तो क्योंकि हमारे पास जो मेन टेम्पलेट्स हैं जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल होता है तो इस कारण से जो है हमारे पास एक फ्री एंड पे आर एन ए प्राइमर लगता है और दूसरा फॉर्क एंड पे लगता है तो ये फ्री और फॉर्क एंड पे इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं तो इसी कारण जो है हमारे पास दो तरह के स्ट्रैंड्स जो है दो तरह से रेप्लीकेशन होती है एक हम एक हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड बनता है तो दूसरा हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड बनता है अब क्योंकि आर प्राइमर जो है वो एक छोटा एक स्मॉल स्ट्रैंड होता है आर का तो उसके आगे जो है जो सिंथेसिस है या कॉपी करना है जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा आगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम विच इज नोन एज डी एन ए पॉलीमरेज थ्री हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सिस्टम होता है डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स वहाँ पे जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो मेजर एनजाइम्स होते हैं हमारे पास वो होते हैं डीएनए पॉलीमरेज ए पॉलीमरीज वन टू एंड थ्री यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज ए थ्री है ये मदद करता है पॉलीमराइजेशन में तो पॉलीमराइजेशन से क्या होता है ये स्ट्रैंड जो है एक न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो बनना शुरू हो जाता है जिसको हम एलोंगेशन फेज़ में कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से जो है डीएनए एन पॉलीमरेज थ्री आरएनए प्राइमर की मदद से थ्री प्राइम एंड जो कि फ्री एंड होता है यहाँ हाइड्रोक्सिल एंड से किस तरह से न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे डीएनए एन पॉलीमरेज थ्री का स्ट्रक्चर डीएनए एन पॉलीमरेज थ्री जो है वो कुछ इस तरह का होता है जहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे टर्मिनल पे वी हैव हाँ बीटा स्लाइडिंग क्लैम्स Next that we have is these two alpha units which shows polymer, polymerase activity. And next in the, uh, the distal end we can see the gamma complex. So gamma complex is... इसका काम होता है लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ दी बीटा स्लाइडिंग क्लैंप अब यहाँ पे ये बीटा स्लाइडिंग क्लैंप करते क्या है ये बीटा स्लाइडिंग क्लैंप क्या करते हैं ये स्ट्रैंड्स को होल्ड करने का काम करते हैं और इनको आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं जबकि जो अल्फ़ा यूनिट है वो पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करती है जो भी हमारे पास नाइट्रोजन बेस यहाँ पर प्रेजेंट होता है उसके ऑपोजिट जो नाइट्रोजन बेस आना चाहिए उसको कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे बनाते जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ही इसको हम बेस पेयरिंग प्रोसेस कहते हैं जो कि डीएनए पॉलीमरेज थ्री एंजाइम की मदद से होती है और ये जो है डीएनए पॉलीमरेज थ्री एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे बेस पेयरिंग कुछ इस तरह से होती है कि जो सेल है जो साइटोप्लाज्म है उसके पास जो है डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ट्राई फॉस्फेट्स पड़े होते हैं जैसे कि डी ऑक्सीडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट पड़ा हुआ है तो उसकी क्या हो जाएगी वो मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद वो यहाँ पे अपनी बेस पेयरिंग करना शुरू कर देगा और उसका जो मल्टी पी पी आई कि पायरोफॉस्फेट जो निकला होगा वो फर्दर क्या करेगा हाइड्रोलाइज कर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरोफॉसफेट और वो रिलीज करेगा एनर्जी और उस एनर्जी से जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स एस्टेब्लिश होंगे तो इस तरह से जो है बेस पेयरिंग होती है और इस तरह से धीरे धीरे पॉलीमराइजेशन होती जाती है विद द हेल्प ऑफ डी एन ए पॉलीमरेज थ्री तो हम यहाँ पे से इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा स्ट्रैंड है ये लीडिंग स्ट्रैंड है क्योंकि यहाँ पे फाइव प्राइम से थ्री तक तो बड़े आराम से जा सकता है पर यहां से फाइव टू थ्री जाएगा तो पीछे यहाँ तो फर्दर नहीं ऐड कर सकता ना कोई न्यू न्यूक्लियोटाइड तो जैसे ही ये फर्दर हेलीकेज इसको काटता जाएगा यानी कि क्लीवेज करता जाएगा हाइड्रोजन बोन्ड्स की तो यहाँ पे फिर एक नया आर एन ए प्राइमर लगाना पड़ेगा ताकि वो इस तरफ को सिंथिसाइज कर सके तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि डिसकॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड्स बनते हैं और इन डिसकॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड्स को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड और इन्हीं लैगिंग स्ट्रैंड को हम और इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी की फ्रेगमेंट्स ये जो डिसकॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड से बनते हैं इनको हम ओकाजाकी की बोलते हैं और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रैंड होता है उसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं जबकि यहाँ इस वाले स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं अच्छा तो यहाँ पे हम ये हमें पता चल जाता है और जैसे ही हम देखते हैं कि बेस पेयरिंग हो गई पॉलीमराइजेशन हो गई डीएनए पॉलीमरेज थ्री ने अपना काम कर दिया उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो आर एन ए प्राइमर है अब इस आर एन ए प्राइमर को जो है हमेशा के लिए लगा नहीं रहने दिया जाता है इसको रिमूव किया जाता है सो दिस आर एन ए प्राइमर इज़ रिमूवड एंड इट इज़ रिमूवड विद दी हेल्प ऑफ डी एन ए पॉलीमरेज वन ठीक है तो यहाँ पे डी एन ए पॉलीमरेज थ्री ने पॉलीमराइजेशन कराई और डी एन ए पॉलीमरेज वन ने क्या किया आर एन ए प्राइमर को रिमूव किया और डी एन ए पॉलीमरेज वन ने इस यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए और छोड़ दिया तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो गए और वो आर एन ए प्राइमर निकल गया तो आर एन ए प्राइमर इज एक्चुअली रिमूव बाई डी एन एमर इज वन इन केस ऑफ प्रो करियोड बिकॉज इन न्यूरे वी हैव डिफरेंट इन्जाइम्स इन्वॉल्व इन दीज प्रोसेज एंड वट वी ऑब्जर्व आफ्टर दिस इज कि आर एन ए प्राइमर और लीडिंग स्ट्रैंड इनके बीच में ना एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे एक गैप या कट लगा कट जो है वो बच जाता है गैप सा होता है जो कि इस प्राइमर वाले स्ट्रैंड पे जो कि अभी डीएनए पॉलीमरेज ए वन ने बनाया है और इस लीडिंग स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड के बीच में यहाँ पे कट्स होते हैं राइट ये जो है गैप से रह जाते हैं अब हम देखेंगे कि गैप कैसे कम्प्लीटली सील होंगे तो ये गैप जो है वो कम्प्लीटली सील होते हैं विद द हेल्प ऑफ एनजाइम डी एन ए लाइगेज So, uh, so, सो डीएनए करने का काम जो है डीएनए है तो हमारे पास कुछ इस तरह से फिर एक नॉर्मल पूरी तरह से सील जो है स्ट्रैंड्स तैयार हो जाते हैं हम यहाँ पे देखते हैं ये जो है एक तरह का बाईड हो रहा है और ऊपर से ये सेमी कंजर्वेटिव है एंड सेमी डिसकॉन्टिन्यूस है वो हमने पीछे देख लिया तो इस तरीके से हमारी एलोंगेशन ऑफ डीएनए जो है इन प्रोकैरियोट्स कंप्लीट हो जाती है जिसमें हम डीएनए पॉलीमरेज थ्री एंड डीएनए पॉलीमरेज वन के बारे में जानते हैं ऑल्सो हमें पता चलता है कि डीएनए लाइगेज यहाँ पे सीलिंग का काम करता है तो इस तरह से पूरी अलोंगेशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है तो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स है उनका जो डीएनए है दैट इज सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो हमारे पास हमने कुछ इस तरह से देखा कि एक जो हमारे पास सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसके और साइट साइड पर रेप्लीकेशन बबल बनता है और रेप्लीकेशन बबल बनने के बाद वहाँ पे जो है रेप्लीकेशन होना शुरू हो जाती है डीएनए की यानी कि उसमें एलोंगेशन शुरू हो जाती है अब देखो ये कॉपी जो है डीएनए की कब तक होती जाएगी यानी कि यहाँ पे बेसिकली कॉपी नहीं कॉपी रेप्लीकेशन जो है यहाँ पे डीएनए की कब तक होती जाएगी तो रेप्लीकेशन जो है वो अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं होती एक टाइम एक साइट आती है जहाँ पर रेप्लीकेशन को रुकना भी होता है तो यहाँ से शुरू होती है टर्मिनेशन प्रोसेस नाउ लेट सी द टर्मिनेशन ऑफ डी एन ए इन प्रो कैरियॉट्स वी सी कि यहाँ पे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में भी और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में भी दोनों तरफ से जो है रेप्लीकेशन होती जा रही है जैसे जैसे बबल खुलता जाएगा आगे आगे बढ़ता जाएगा टोटल रेप्लीकेशन डी एन ए की कंप्लीट हो जाएगी फिर हम देखेंगे यहाँ पे टर्स साइट यहाँ पे एक टर्मिनेशन साइट होती है जिसको हम टर्स साइट कहते हैं एक ऐसा रीजन है जो कि सर्टेन स्पेसिफिक इसके पास बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं और वो स्पेशल बेस पेयर सीक्वेंस ऐसे होते हैं कि वो स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं टर्मिनेशन ऑफ डीएनए के लिए तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ये रीजन्स होते हैं टर्मिनेशन साइट के अगर इसी टर्मिनेशन साइट को हम एक्सपैंड कर दें तो ये कुछ रीजन्स यहाँ पर हमें दिखते हैं जिसको हम टर ए डी ई एल टी और इस साइड पर हम सी बी एफ जी एफ जी जे ये हम इनकी साइट्स बता देते हैं और इन रिसेप्टर साइट्स के ऊपर जो है प्रोटीन एक एसोसिएट होता है जिसको हम टस प्रोटीन कहते हैं जैसे ही टर प्रोटीन यानी कि टर साइट के साथ टस प्रोटीन जैसे ही एसोसिएट होता है ये क्या करता है ये साइटोसिन फ्लिपरिंग कर देता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन कि जैसे ही टर्मिनेशन की शुरुआत होती है तो यहाँ पे कुछ सर्टेन हमारे पास सीक्वेंसेस होते हैं यहाँ टर साइट पे और इन्हीं टर्स साइड्स के ऊपर जो है टस प्रोटीन जो है जब एसोसिएट करती है तो वो क्या कर देती है इट कॉजेज दी साइटोसिन रिंग और जैसे ही साइटोसिन जो है फ्लिप कर जाता है वैसे ही जो टर्मिनेशन है वो शुरू हो जाती है यानी कि डीएनए की रेप्लीकेशन की प्रोसेस जो है वहीं पे खत्म हो जाती है अब हम देखते हैं कि जैसे ही डीएनए एन रेप्लीकेशन खत्म हुई तो ये जो हमारे पास रिंग्स थी यानी कि जो पूरी की पूरी रिंग है पहले इसमें दो टेम्पलेट है तो जैसे ही हमारे पास ये रिंग्स बनती हैं, ये जैसे ही यहाँ पे चार हमारे पास टेम्पलेट बनते हैं तो ये चारों के चारों क्या होंगे अब इनमें से ये दो डीएनए बन चुके हैं एक डीएनए टेम्पलेट ये वाला और एक रेड वाला तो अब इनको जो है एक दूसरे से अलग होना है तो अलग होने के लिए डिसोसिएट होने के लिए यहाँ पे जैसे हमारे पास ये दो रिंग्स होती हैं जो आपस आप में फंस जाती हैं ये कुछ इस तरह से हो जाएगी कंडीशन तो उस टाइम पे हमारे पास एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है टोपो टू जो कि पहले भी यूज हुआ था इसका काम है निक प्रोड्यूस करना यानी कि कट लगाना फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे तो जैसे ही डीएनए के बैक बोन को कट कर देगा तो यहाँ पे दो कट लगेंगे यहाँ पे टू का मतलब होता है दो और जब टोपो आइसोमरेज वन लिखा होता है यानी कि सिर्फ एक स्ट्रैंड पे कट लगता है तो टोपो आइसोमरेज टू जिसको हम डीएनए एन गायरेज भी बोलते हैं ये जो है यहाँ पे कट लगाने का काम करता है और दोनों डी की को निक कर देता है यानी कि काट देता है कट लगा देता है इससे क्या होता है ये दोनों रिंग्स जो है आपस में डिसोसिएट ईजिली डिसोसिएट एसो, हो जाती हैं और कुछ इस तरह से बन जाती हैं और जैसे ये डिसोसिएट होके अलग हो जाती हैं

एस ई क्यू एज इज अ प्रोटीन और इज एन एंजाइम एक्चुअली ब्लॉक्स द इनिशिएशन मतलब कि इनिशिएशन सिर्फ एक बार होती है और आई सी साइड सिर्फ एक ही होती है वो एक क्यों होती है क्योंकि हमारे पास क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास एक प्रोटीन होता है विच इज एस ए विच एक्चुअली ब्लॉक्स द इनिशिएशन तो इस तरह से जो है हमारे पास इनिशिएशन जो है वो ब्लॉक रहती है और जब तक टर्मिनेशन नहीं हो जाती एक बार की फिर में तब तक वो फिर से रेप्लीकेट होना शुरू नहीं होता सो दिसन एड एप्लीकेशन इन प्रो कैरियो इन विच वी स्टडीड इनिशिएशन एलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन स्टेज इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट डीएनएडन इन यू कैरियॉर्स आई यू लाइक दिस वीडियो इफ यू डेड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट थैंक यू